अयोध्या क्या अब राम भरोसे है? इस सवाल का जवाब बारिश में अयोध्या से आती कुछ तस्वीरें दे रही हैं, जहां अयोध्या की हाईटेक सड़क रामपथ और जन्मभूमि पथ, जिधर से राम भक्त राम मंदिर में प्रवेश करते हैं, वहां पानी ही पानी नजर आ रही है, मानो सरयू की लहरें बह रही हों। इतना ही नहीं, अयोध्या की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के कैंप में भी बारिश का पानी घुस जाता है। इसके अलावा अयोध्या समेत आसपास से आए श्रद्धालुओं को इलाज देने वाला श्रीराम अस्पताल भी बारिश की पानी के दलदल में डूबा नजर आ रहा है। शासन प्रशासन को करोड़ों रुपए का विकास करना तो दिखा, लेकिन बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था को लोगों ने ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे मानो उनका कुछ लग ही नहीं रहा हो। इसके अलावा विकास की पोल तब खुलता है जब जन्मभूमि पथ बिरला धर्मशाला के सामने पानी ही नजर आता है। यहीं से राम भक्त प्रभु राम के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन जिनके पैर पखारने का कार्य अयोध्या के माननीयों ने कराया था, उनसे पूछो मत। दो घंटे की बारिश के मौसम को बेईमान बताकर अयोध्या के कर्ता धर्ता भले ही विकास का ढिढोरा पीट रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही। दर्शन करना है श्री राम का, प्रभु के दर्शन करना है भैया। पानी का बहुत बुरा हाल है। अयोध्या का जो कंडीशन होना चाहिए वो नहीं है, जबकि ये टाटा ने बनाया है। टाटा कंपनी का ठेका था, इस तरह कर दी टाटा कंपनी काम। देखिए पानी घुस के लोग जा रहे हैं। विकास का पूरा सत्यानाश कर दिया। हम रहने वाले यहीं के हैं, पर इस समय हम लखनऊ में रहते हैं। लेकिन जो हमने सोचा था कि विकास होगा, वो विकास नहीं हो पाया। पानी में आप लोग आ रहे हैं प्रभु के दर्शन करने, प्रभु के दर्शन करने पानी में जिस तरह आ रहे हैं, कभी भविष्य में सोचा नहीं था कि हमें इस तरह पानी में से होके दर्शन के लिए जाना पड़े। विनोद यादव से हैं और भगवान श्री राम के दर्शन करने आए हैं। पानी में चलते आप जा रहे हैं जी? देखिए मेन प्रॉब्लम है कि जो भी हमारे सब ठेकेदार होते हैं, इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे भी करके मतलब कैसे लूट किया जाए। सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं चलती है, ठीक है, उसमें सिर्फ इनका एक ही मकसद होता है कि मतलब 60% काम हो, बाकी 40% जो है पैसे अपने पॉकेट में चले आए, ठीक है। इसी वजह से जो पानी का समस्या है, मेन कोरोना भ्रष्टाचार, इनका सिर्फ एक ही मकसद है किसी तरह से पैसे लूटा जाए। अगर बढ़िया से काम हुआ होता सर अच्छे से देख रेख में, तो ऐसी नौबत नहीं आती। जी मेरा नाम सौरभ कुमार पड़ेगा।